मर्फीज का कि ये जाना है सरहद दरबार। वाव, ये शॉट मुझे अच्छा मिल गया। It's 7th of October 2021 and this is the third consecutive weekend day we have come to Expo 2020 site, but today without wasting any further time we will be heading to Pavilion. So now we have not decided a sequence as such, but we'll be heading to India first, after that Pakistan, then UAE and then USA and Egypt of course. Today so we'll try to cover major countries. Yes, kyunki Egypt mein I think unhone mummies rakhi hai, wo humne YouTube pe hi dekha. To hum log ko mummies dekhne to nahi mila ab tak इजिप्ट में जाके। ये जो सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग, ये जो ऊपर का दिखाई दे रहा है ना, हम सिंगापुर में देख है ना, हाँ, ऐसे बे एरिया लग रहा है, हालांकि हम गए नहीं है, फोटोज देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे ही खड़े हैं। गाइज इवन आज भी एकदम ह्यूमिडिटी पीक पे है, आई मीन लिटरली पसीना पसीना हो रहे हैं हम लोग। सो इट जस्ट बीन 20 मिनट्स प्रोबेबली वी हैव कम टू दिस साइट एंड वी हैव ऑलरेडी डेंच्ड। इज नाउ अभी देयर इज वन मोर टिप व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू व्हाइल लाइक वॉकिंग अक्रॉस द पेविलियंस, एंड द टिप इज कि देयर आर सम पेविलियंस फॉर व्हिच यू हैव टू डू प्री बुकिंग। तो अगर आप ऑन द स्पॉट आते हो और यू नो एक्सपेक्ट करते हो कि पेविलियन में एंट्री मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। सो बिफोर कमिंग स्पेशली ऑन वीकेंड, सो बिफोर कमिंग जस्ट चेक आउट एक्सपो 2020 साइट्स और देखना कि कुछ कुछ पेविलियंस को प्री बुकिंग लगता है कि नहीं। सो गाइस अभी दिस हैज बिकम सो अनप्रेडिक्टेबल। अभी तो हम लोग 8:30 PM टच डाउन किए थे इंडिया पेविलियन के आसपास, लेकिन इंडिया पेविलियन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है 8:00 को। सो अभी डिपेंडिंग ऑन द रश एक्चुअली दे आर क्लोजिंग इट, सो देर आर कपल ऑफ पेविलियंस विच आर ऑलरेडी क्लोज। नाउ वील बी हेडिंग टू USA। तो ये रहा US का पेविलियन और यहाँ पे भी देखो कितनी सारी लाइन है। ऑल द बेस्ट अभिषेक चिले गर्मी में खड़े रहने के लिए, एटलीस्ट ये एक तो पेविलियन कवर करते हैं। कितना टाइम हो गया हम लोग यहाँ पे खड़े होके? 27 मिनट्स। जैसे कि तूने टाइम देखा है। Hi, how are you? Good? So finally we got entry. A wonderful masterpiece. Wow! Statue of Liberty का ना यार, तू भूल गया? भी मुझे पता चला कि क्यों इतना लेट हो रहा था ये पैविलियन, क्योंकि इसके ऊपर से चलना इसलिए। वाव, ये शॉट मुझे अच्छा मिल गया, फर्स्ट टेलीफोन ग्राहम बेल का, ये देख उसका फोटो भी है पीछे। Guys, this is the first Apple phone. 2007. Come here, यहाँ पे. As you can see, now we are very happy because we are inside the pavilion and it's pretty cool over here. अभी जो स्वागत है टच करिए वो है मून रॉक, और इसकी इन्फॉर्मेशन ये सब है। अभी
does it give a feel? Yeah. But it doesn't feel different, right? So guys, no doubt USA Pavilion was pretty cool, but as soon as you come out of the USA Pavilion, you would see this, the spaceship which is ready to be launched. So अभी ये interesting रहेगा देखना कि वो अटकाया कैसे है. सो गाइस अभी हम लोग ने अब तक 7 to 8 पैविलियंस विजिट किए हैं 3 दिन में, आई मीन 3 वीकेंड्स डेज पे, बट दिस वाज अनडाउटेडली द कूलेस्ट वन. आई मीन द इल्यूजनरी इफेक्ट दैट दे हैव शोन ऑफ अर्थ, द क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंजेस एंड ऑल्सो द स्पेसशिप रिलेटेड स्टफ गोइंग टू द मार्स, आई मीन दैट रेप्लिका दैट दे हैव क्रिएटेड, देन इवन द मून रॉक, इट वॉज अमेजिंग. सो इवन बाहर आने के बाद भी वो जो स्पेसशिप लटका है, आई मीन जस्ट यू नो स्टॉक किया, दैट वॉज अमेजिंग. सो अभी दिस इज गोइंग टू प्रोबेबली द लास्ट वन एंड ओनली पैविलियन दैट विल बी विजिटिंग टुडे, बिकॉज ऑफकोर्स द टाइमिंग इशू. अभी टाइम हुआ है 10 o'clock, एंड जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में कहा था आपको कि बाई 9:30 ऑल द पैविलियंस गेट क्लोज्ड. सो अभी भूख भी जोरों की लगी क्योंकि ह्यूमिडिटी ने प्रॉपरली हम लोग को डिहाइड्रेट किया है. अभी गाइज हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अलबेक में चिकन नगेट्स खाए फिर से कि बाहर जाके खाना खाए. व्हाट डू यू से स्वागत था? बाहर जाते अभी, हमेशा फ्राइड फूड खाना अच्छा नहीं है. हमेशा किधर, लास्ट वीकेंड पे खाया था, उसके बाद अभी खा रहे हैं. एक काम करते हैं, हाँ पानी पीते हैं, एक चिकन नगेट का पैकेट लेते हैं और उसके बाद बाहर खाना खाते हैं. बट गाइस आई मीन इफ यू कैन सी द क्यू इज राइट टिल देयर. सो अभी अलबेक में खाने का प्लान हम लोग ने एक्चुअली ड्रॉप किया है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द रश एंड द काइंड ऑफ हंग्री दैट वी आर राइट नाउ. व्हाट इज योर स्वागत? एज वी ऑलरेडी जैसा तू चाहती थी वैसा ही हुआ. हां वैसे मुझे फ्राइड फूड खाना नहीं था, तो चलो अभी किधर बाहर जाते हैं खाने के लिए. सो गाइस अभी एक्सपो 2020 पे हमने अब तक 3 ब्लॉग्स बनाए, मतलब ये तीसरा ब्लॉग है, और तीनों ब्लॉग में आपने देखा रहेगा कि हमें टाइमिंग के इशू आए हैं, एंड इनवेरिएबली आप भी ये फेस करोगे. लेकिन ये आप जब भी इधर इस साइड पे आओगे तो ही आपको तभी आप एक्सपीरियंस कर सकोगे, तभी आप यू नो फील कर सकोगे कि ऐसे टाइमिंग के इशू आते हैं. क्योंकि उधर बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि क्यों 4-5 पैविलियंस कवर नहीं हो रहे, बट जस्ट कीप इन माइंड कि हर एक पैविलियन को, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ वीकेंड, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स यू नो कि लंबी कतार है, क्यू है. सो मेक श्योर टू प्लान इट अकॉर्डिंगली एंड देन कम. मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो, या फिर पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, या फिर एल्डरली पर्सन के साथ आ रहे हो, या फिर ग्रुप में आ रहे हो, आई मीन बड़े ग्रुप में आ रहे हो जिसमें वुमेन और चिल्ड्रन है, तो मेक श्योर कि आप वीकडेज पे आ जाओ, ना कि वीकेंड पे. क्योंकि अगर आप वीकडेज पे आते हो तो इमीडिएटली आपको वॉक इन मिलेगा किसी भी पेविलियन में, क्योंकि मैंने ये इंक्वायरी भी की कि जब भी वीकडेज में लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी कतार, तो छोड़ो इमीडिएटली आपको अंदर जाने का मौका मिल रहा है. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड ऑल्सो. सो गाइज अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, विच इज़ नियरर प्लेस टू एक्सपो 2020, वेयर यू हैव एम्पल फूड कोर्ट्स अवेलेबल, एंड गुड थिंग इज दे आर ऑल ओपन. सो अभी हमने चूज़ किया है पिज़्ज़ा पापा मर्फीज का, कि ये जाना है सरहद दरबार. पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा एम टी भी है. सो चलो गाइज कुछ डिफरेंट पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं आज. सो अभी टाइम हुआ है रात के 12, इनफैक्ट 12:15, और पूरी झुंड आ चुकी है उनकी. नींद आ रही है? इतनी भूख लगने के बाद कैसे नींद आ सकती है? वैसे दुबई में इतने रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ देखना कोई नई बात नहीं है रात को, स्पेशली वीकेंड पे, लेकिन ये आउटस्कर्ट एरिया है, बट एक्चुअली ये सब एक्सपो 2020 की भीड़ है, राइट? सो या सो एक्सपो 2020 इज अट्रैक्टिंग सो मेनी कस्टमर्स टू ऑल अदर आउटलेट्स ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर एक्सपो 2020. Yeah. So, ये है हमारे मीडियम साइज पिज्जा, लेकिन थोड़े से छोटे नहीं है मेरे भूख के लिए, है ना? लार्ज में बोलना चाहिए था. So, ये हो रही हमारी अनबॉक्सिंग पिज्जा की. वाओ दिस लुक्स अमेजिंग गाइस, दिस इज चिकन टिक्का और ये है चिकन गार्लिक. वाओ दोनों भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं. मेरी भूख इतनी बढ़ गई है ना अभी. सॉस टॉप है. बहुत गर्म है यार, पहले बता देती हूँ. 10 बार भूख मार के पीता पीता नहीं खा जाऊँ. Delicious. It's good. It's good. So by the way, we are trying this Papa Murphy's pizza for the first time, and it's literally amazing.
आई डोंट नो से तेरी आवाज़ यहाँ पे आएगी। अभिषेक का पापा माफी का पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। अब भाभी के साथ है? नहीं, दादी के। चलो खाते। टूट पड़ गया।